हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पानी पूरी का नाम लेते ही हम सबों के मुंह में आ जाता है पानी। तो चलिए आज शेयर करते हैं पानी पूरी की रेसिपी। सबसे पहले मैं प्रिपेयर करूंगी पानी। इसके लिए मैंने ले लिया एक ब्लेंडर। इसमें ऐड करेंगे करीब एक कप फ्रेश धनिया, आधा कप पुदीना, 3 से 4 टुकड़े अदरक के, 4 से 5 ग्रीन चिली, आप अपने तीखे के अकॉर्डिंग ले लें। और इसे ब्लेंड करने के लिए आधा कप पानी। अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये हमारा बेस बिल्कुल तैयार है। अब इसे मैं स्ट्रेन कर लूँगी सो दैट धनिया और पुदीने के टुकड़े मुँह में ना आए। एक छन्नी लेकर मैंने इस बेस को स्ट्रेन कर लिया है। कुछ इस तरह से इसे अच्छे से छान लेंगे। बाउल में थोड़ा पानी ऐड करके उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसे ठंड के मौसम में बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ठंडे पानी का यूज़ नहीं किया है। अब इसमें ऐड करूँगी 1 कप इमली का पल्प, जिसे मैंने भिगो लिया था पहले ही, और 1 लीटर के करीब पानी। अगर गर्मी का टाइम हो तो आप इसमें ठंडे पानी का यूज़ करें। अब इस पानी में ऐड करेंगे 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच वाइट नमक, 1/2 चम्मच भुना धनिया का पाउडर और 1/2 चम्मच भुना जीरा का पाउडर। अब इसमें 1/2 चम्मच ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 2 से 3 पिंच हींग के। सबों को अच्छे से एक गुड मिक्स कर देंगे। चाहे तो एक्स्ट्रा खटास के लिए आप इसमें 1/2 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 आइस क्यूब और साथ ही कुछ धनिया के पत्ते। तो पानी बिल्कुल बनकर तैयार है। आ रहा है ना आप सबों के मुंह में पानी? इसका टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक टाइप आता है। तो चलिए बना लेते हैं। अब बेसिक आलू मसाला मैंने ले लिया है, 7 से 8 मीडियम साइज के आलू, और इसे हम फोड़ लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। इसमें जाएगा 1 मीडियम साइज चॉप्ड ऑनियन, 1 टेबलस्पून के करीब हुए चने और उबले हुए आलू। हम इसमें ऐड कर देंगे करीब 3 से 4 बड़े चम्मच पानी पूरी का पानी। यही है इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसमें आएगा इसका बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट। तो ये मसाला भी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसे गार्निश कर देंगे धनिया के पत्ते के साथ। आज मैं यूज़ कर रही हूँ रेडीमेड पानी पूरी। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने लिया है 1 कढ़ाई और इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल को फुल हीट पे अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसको मीडियम लो फ्लेम पे कर देंगे। इसमें मैं एक एक करके ऐड करूँगी रेडीमेड पानी पूरी। तेज का टेम्परेचर थ्रू आउट गर्म साइड ही रहना चाहिए। हर एक पूरी पे ऑयल डालते रहें, वरना ये अच्छे से फूलेगा नहीं। याद रखें, हमें थोड़े थोड़े करके ही पानी पूरी फ्राई करना है। एक साथ 9 से 10 ना ऐड करें। तो यहाँ अटेंशन बिल्कुल एक एक पूरी पर देना है और एक एक पूरी पर अच्छे से तेल डालते रहें। ये हमारे क्रिस्पी फुले फुले पानी पूरी बनकर बिल्कुल तैयार है। बस 2 बातों का ध्यान रखें। तेल पहले तो फुल फ्लेम पर हीट कर ले, उसके बाद मीडियम लो पे कर दें, और एक साथ ज़्यादा पूरी न डालें। आपकी सारी पूरी बिल्कुल इसी तरह से फुले फुले बनेंगे। मैंने सारी पूरी को तल लिया। तो चलिए नाउ इट्स सर्विंग टाइम। मैंने बस घर के मसालों के साथ ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसे देखकर आप लोगों को भी खाने का मन कर रहा होगा, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसे सर्व करते हैं। मैंने लिया है बाउल। अब पानी पूरी में होल कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे मसाले, मीठी चटनी और हमारा ठंडा तीखा चटपटा पानी। मुझे पता है आप सब लोगों का खाने का दिल हो रहा होगा, इसलिए ये पहली पानी पूरी आप सबों के लिए। टेस्ट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।